फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजिन की खूबियों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। दोनों इंजिन अपने आप में बाहुबली हैं, इसलिए आज हम इन दोनों इंजिन को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा इंजिन ज्यादा बेहतर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये तो आप जानते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजिन में चार स्ट्रोक होते हैं और टू स्ट्रोक में दो स्ट्रोक। तो इस वीडियो में हम छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर नहीं करेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। टू स्ट्रोक इंजन में यदि आप देखें तो दोनों पोर्ट साथ में खुलते हैं, यानी कि एग्जॉस्ट और इनटेक साथ में होता है। अब इससे होता यूं है कि कुछ मात्रा में फ्यूल एग्जॉस्ट गैसेस के साथ बाहर निकलते हैं। अब ये फ्यूल तो बर्न हुआ नहीं, जिसके चलते आपका फ्यूल भी वेस्ट हो गया और इससे फ्यूल कंजम्पशन टू स्ट्रोक इंजिन में बढ़ जाता है। फोर स्ट्रोक इंजिन में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को कंट्रोल करने के लिए रॉकर्स या फिर पुश रॉड्स दिए जाते हैं। इससे एक समय पे केवल एक ही पोर्ट खुलता है, यानी इनटेक स्ट्रोक में इनलेट पोर्ट खुलता है और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद रहता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में केवल एग्जॉस्ट पोर्ट ही खुलता है। इससे फ्यूल की वेस्टेज ना के बराबर होती है। दूसरा है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी यानी फ्रिक्शन के मौजूद होने पर भी इंजन कैसे परफॉर्म करेगा। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी कम मैकेनिकल एफिशिएंसी। यदि मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी इंजन उतना ही ज्यादा पावर निकाल के देगा। फोर स्ट्रोक इंजिन के जैसे टू स्ट्रोक इंजिन में ना तो वाल्व्स रहते हैं और ना ही कोई कैमशाफ्ट या रॉकर्स मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इसमें दो स्ट्रोक भी कम रहते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स कम होने के चलते टू स्ट्रोक इंजिन में वाइब्रेशंस भी कम होते हैं, जिसके चलते इन इंजिन की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा रहती है कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजिन। इससे हमने ये भी जान लिया कि टू स्ट्रोक इंजिन फोर स्ट्रोक इंजिन के मुकाबले ज्यादा तेज होते हैं। तीसरा रीजन है टॉर्क। टॉर्क जितना ज्यादा होगा इंजिन उतना ही ज्यादा लोड कैरी कर पाएगा आसानी से। अब टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी जितनी ज्यादा स्पीड होगी टॉर्क उतना ही कम होगा। बस यही रीजन है कि गाड़ी को टॉप गियर में पिकअप नहीं किया जा सकता। चौथा है पावर डिलीवरी। फोर स्ट्रोक इंजन में हर तीन पिस्टन मूवमेंट के बाद इंजन पावर जनरेट करता है, बल्कि टू स्ट्रोक इंजिन में हर एक पिस्टन मूवमेंट के बाद इंजन पावर जनरेट करता है। इसलिए टू स्ट्रोक इंजिन की पावर डिलीवरी फोर स्ट्रोक के मुकाबले बढ़िया रहती है। पांचवा है पॉल्यूशन। टू स्ट्रोक इंजिन में इंजन लुब्रिकेशन के लिए फ्यूल के साथ ऑयल को भी मिक्स करना पड़ता है, तो जब फ्यूल जलता है तो उसके साथ ऑयल भी जलती है, जो वातावरण में बहुत पोल्यूशन फैलाती है। हालांकि टू स्ट्रोक इंजिन में ज्यादा मैकेनिकल पार्ट्स यूज ना होने से इनकी वेट तो कम रहती ही है, साथ ही साथ इंजन साइज भी छोटी रहती है कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक्स। इनके कम साइज के चलते इन्हें आउटडोर पावर इक्विपमेंट जैसे कि चेनसॉ, ब्लोअर्स, डर्ट बाइक्स इत्यादि में उपयोग किया जाता है। कौन सा इंजन बेहतर है ये कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही इंजिन अपने आप में बेहतर हैं। लेकिन अगर हम ऑटोमोबाइल्स और आम आदमी की जरूरत को देखें तो फोर स्ट्रोक इंजिन ही बेहतर है। अगले वीडियो में हम टू स्ट्रोक डीजल इंजिन के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में डीजल जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।